जी बिस्पिल कराम वैया करस्त मैं सबसे पहले तो आज बड़े फ़खर से मुझे बड़ा फ़ख्र है आज अपने सारे एम के ऊपर मेरी टीम के ऊपर मुझे बड़ा आज आपके ऊपर फख्र है कि जिस तादाद में आप आए मुश्किल का सामना करते हुए एक तो मौसम था ना धुंध आना जाना मुश्किल है एक तो ये मुश्किल थी आप सब के लिए लेकिन जो दूसरी मुश्किल थी वो मुझे क्योंकि मेरी मुलाकातें होती रहीं आपसे छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ मैं मिलता रहा तो मुझे एहसास हुआ कि किस तरह के प्रेशर्स आपके ऊपर थे और मैं इसलिए भी आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि चुन चुन के लोगों के ऊपर आप में से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया मैं मुजफ्फरगढ़ के अपने टाइगर्स को कल मिला था तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके ऊपर किस तरह का उनको ऑफ़र किया गया मुझे सवा अरब रुपया पांच लोगों को ख़रीदने के लिए उनके ज़मीर ख़रीदने के लिए ऑफर किया गया और चुन चुन के लोगों को मैं अपने गुजरात से एक एम पी से मिला तो उसने भी वही बात की जो ज़्यादातर हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी बताया गया और हमारे ऐल को और मैं आज यहाँ ख़ास तौर पे चौधरी लाई और काफ लीग को भी आज दाद देता हूँ आज हराज तहसीन आपको भी पेश करता हूँ क्योंकि एल को भी पूरा धमकियाँ दी गई हमारे लोगों को पहले तो खैर ऑफ़र किया गया कि देखें नून लीग में चले जाएं और फिर धमकियाँ भी दी गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा हम आप फलाना कर देंगे पैसे अलहदा धमकियां और एक चीज जो सबको कही गई मैं आज आप भी है और ये मेरी कॉम के कॉम भी सुन रही है ये एक चीज कही गई कि देखें पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है इमरान खान की कोई फ्यूचर नहीं है इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है लोगों को डराया जा रहा है कि जी हमने तो उसको उसको तो माइनस कर दिया उसके तो फ्यूचर ही नहीं है देखें आप सबके लिए भी और मैं अपनी कौम जो देख रही है मैं सबके लिए आज एक पैगाम देना चाहता हूं स्वाय अल्लाह के और उसके बाद ये जो कौम के वारिस हैं अल्लाह के बाद वो पाकिस्तान की अवाम है किसी के ऊपर सिर्फ रेड लाइन पाकिस्तान की आवाम डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता और जो भी ये समझता है जिसमें भी ये तकबर है ये जो रौनत है ये तकबर कि जी मैं हमने रेड लाइन डाल दी ना उनके अंदर अकल है सिर्फ बेवकूफ इंसान ऐसी बात कर सकते हैं ना उनको सियासत की समझ है ना उन्होंने तारीख पढ़ी हुई है ना उन्होंने इस मुल्क की तारीख पढ़ी हुई है जिसने भी कोई थोड़ी बहुत थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिसने तारीख पढ़ी हो वो कितनी कभी भी इतनी अहम काना बात नहीं कर सकता हमेशा एक मुल्क के अंदर आवाम फैसला करती है किसके ऊपर रेड लाइन डाली जाती और नहीं डाली जाती आप माशाल्लाह और मैं अल्लाह का हाथ उठा उठा के शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने आज आपकी जमात उसको आज वो मुकाम दिया है सत्तर साल मेरी उम्र है मैं आपको पूरे यकीन और वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जमात को वो मकबूलियत नहीं मिली जो माशाला अल्लाह ने आपकी जमात को दी है और अब किसी को शक था तो उठा के देख लें पहले तो पैंसठ जलसे किए जरा पैंसठ जलसों की जरा वीडियोज लोगों को दिखा दें आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है गर्मी की इंतहा के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की पब्लिक निकली पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे पब्लिक नहीं निकली किसी भी जमात के लिए पब्लिक ने बार बार बताया वो किधर खड़ी है वो आपके साथ खड़ी है जब हमारी हुकूमत एक साजिश के तहत गिराई गई नौ अप्रैल को जब हम मैं अपनी डायरी लेके घर पहुंचा तो जो भी ये रेड लाइन ड्रॉ करने वाले समझ रहे हैं कि रेड लाइन ड्रॉ की सबको सबको शौक़ मिला कि जब 10 अप्रैल को पाकिस्तान की पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई इस मुल्क की तारीख में कभी भी पाकिस्तान की पब्लिक एक एक हु, हुकूमत जिसको हटाया गया हो आज तक पाकिस्तान की पब्लिक ने मिठाइयां तो बांटी हैं कभी उसके उस हुकूमत के लिए लाखों लोग नहीं निकले और उसके बाद इलेक्शंस हुए 16 जुलाई को इलेक्शंस हुए एक अजीब सिचुएशन था कि हमजा को यहां बैठा दिया गया सारी उसके साथ पुलिस इंतजामियाटेब्लिशमेंट मदद कर रही है उसकी हर चीज इलेक्शन कमीशन पूरी मदद कर रही है यह भी पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुआ कि स्वीप की तरीके इंसाफ ने बाईलैक्शन स्वीप किए और वो क्यों किए क्योंकि पाकिस्तानी कौम निकलाई कभी इस तरह कौम नहीं निकली ना किसी ने बरादरी देखी ना किसी ने रिश्तेदारियां देखी लोग नजरिए के लिए निकले और आप सब जानते हैं क्योंकि आप सब ने शिरकत की आपने सब उस बाय इलेक्शन में शिरकत की और आपने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह पब्लिक निकली और पब्लिक ने वाजे बता दिया कि हम किधर खड़े हैं फिर 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ 16 अक्टूबर को चुन के इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ ने चुन के वो हलके उन हलकों के अंदर बाय इलेक्शन करवाई जो हमारे सबसे कमज़ोर थे जिनमें पीडीएम की इन सारी जमातों की दुगनी वोट्स थी हमारी 2018 इलेक्शन में चुन के उन्होंने इलेक्शन करवाए और वो आप सब ने देखा कि आठ में से सात इलेक्शन हम जीते और पब्लिक ने वोट डाली पब्लिक ने वोट डाली ये जानते हुए कि मैंने इलेक्शन में हमने असम्बलियों में नहीं बैठना था ये कभी आपने सुना है पाकिस्तान में कभी ऐसे पाकिस्तान में हुआ कि पब्लिक इस चीज़ को जानते हुए कि ये जो एमएनए को हम वोट डाल रहे हैं ये हमारे काम नहीं करवा सकेगा हमारी गली सड़कियां हमारे जो काम है वो नहीं करवा सकेगा ये असेंबली में भी नहीं जाएगा आठ में से सात इलेक्शन जीते पब्लिक वाजे बताती जा रही थी कि वो किधर खड़ी है लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसला किया गया कि हम डंडे के जोर से पब्लिक को हम डंडे के जोर से पब्लिक को पब्लिक ओपिनियन को मोड़ेंगे अब ये भी कौन से जीनियस ये सोच रहा था कैसा जेन ये चीजें सोच रहा था कौन सा यानी मैं कई दफा हैरान होता हूं कि ये कौन फैसले ऐसे करता है कि जब पता है कि पब्लिक किधर खड़ी है उसके बावजूद इन्होंने फैसला किया कि जानवरों की तरह भेड़ बकरियों की तरह डंडे के जोर से हमें लगाएंगे उस लाइन पे कि ये चोरों को हम किसी तरह मान लें सारी कोशिश हो रही थी कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान कौम इन चोरों को जिन्होंने तीस साल से इस मुल्क को लूटा है जिनके दौरान हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया बांग्लादेश भी आगे निकल गया जिसके दौरान पाकिस्तान दुनिया में पीछे रह गया हर चीज़ में हम पीछे रह गए आई एक चीज ले रहा हूँ टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है हिंदुस्तान ने 2000 सन 2000 में एक अरब डॉलर उनकी आई एक्सपोर्ट थी आज उनकी 140 सौ अरब डॉलर आई एक्सपोर्ट है यह किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं की क्योंकि ये जो दो खानदान आए थे इनको सिर्फ एक काम आता था पैसा चोरी करना और उसके बाद एनआर लेना और यही इन्होंने किया आते साथ ही ना इनका कोई गेम प्लान था इनको जब हमारे ऊपर मुसलत किया गया ना इन्होंने सोचा कि इन्होंने आगे कैसे मैशत को ठीक करना है कोई रोड मैप देना है इकॉनमी का ना इनके पास और कोई आ, सोच थी इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया एन आर ओ लिया और एना आते साथ ही तैयारी करके इन्होंने अपने करप्शन केसेस ख़त्म कर किए ग्यारह सौ में आप सबको क्योंकि आप मेरे एम हैं और आपने आपने अभी तैयारी करनी है अगली कैंपेन के लिए हमारी क्योंकि इलेक्शन का साल है और इन हमने इलेक्शन फौरी तौर पर करवाना है आप सबको ये पता होना चाहिए कि 1100 अरब रुपए के इन्होंने अपने करप्शन के केस माफ़ करवाए हैं इकॉनमी डूबना शुरू हो गई नजर आ रहा था कि इनको कोई समझ ही नहीं है इकॉनमी की और इनको यह भी क्योंकि माजी में जब भी ये इकतदार में आए हैं इन्होंने यही किया है नवे में जब इनकी हुकूमत गई इकोनॉमी बैंक्राफ्ट कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई गई एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो दौ, दौलत में इजाफा होगा कौम की फिर से जब ये 2018 में गए फिर मुल्क बैंक पांच साल में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी और जब जो भी ये सोच रहा था कि इनको लेके आएगा और हमें पता है कौन किसके ख्याल में था कि सुभाष श्री बहुत बड़ा जीनियस है कैसे वो समझ गया कि जो माजी में उन्होंने आज तक मुल्क को बैंक्रप्ट करके छोड़ के गए अपनी दौलत बढ़ गई कौम बैंकप्ट हो गई वो अब ठीक करेंगे तो मुल्क के ये जो हालात आज नजर आ रहे हैं मार्षत के ये होना ही था और हमारे ऊपर कह रहे हैं कि जी ये देखें ये पिछली हुकूमत ने किया है। हमारी हुकूमत ने बैंक्राफ्ट इकॉनमी संभाल के एक बैंक्राफ्ट इकॉनमी और फिर से मैं ज़रूर कहूँगा आप सबको एम पीज़ को कि आप इकनॉमिक सर्वे में ज़रूर फिगर्स पड़े हैं कि शायद पा, ही पाकिस्तान की तारीख में किसी की वो इकॉनमी एक, की परफॉर्मेंस थी जो हमारे आखिरी दो साल थी कोरोना के बावजूद पहला साल बैंक्रप्सी उससे निकाला कोरोना से को निकाला और आखिरी दो साल सिर्फ मार्शल लॉज के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस थी और वो भी क्योंकि हम अमरीकनों के साथ थे सीटो सेंटो में खान के दौर में जियालहाक के अफगान जहाज में साथ थे जनरल मुशरफ के वॉर ऑन टेरर में उनके साथ थे तो डॉलर्स आ रहे थे हमारी बारी कोई हम किसी एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी लेके आ रहे थे जिसका भी एक कईयों को ये नहीं पसंद या गुलाम जहनीत के लोग बैठे हुए जिनको ये नहीं पसंद आया क्योंकि उनको तो ग़ुलामी करनी है वो तो समझते हैं कि जब तक हम किसी सुपर पावर के जूते ना पॉलिश करें तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करेगा उनको तो खुददारी का पता ही नहीं है तो खुददार फॉरेन पॉलिसी के बावजूद हमारे आखिरी दो साल में रिकॉर्ड ग्रोथ थी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चाहे एक्सपोर्ट्स हों चाहे टैक्स कलेक्शन हो चाहे रेमिटेंसेज हों चाहे हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हो ज़रात की अंदर सब पॉजिटिव जा रहा था जब से ये आए हैं आज ये हाल है कि हिंदुस्तान के आज टी वी देख लें नरेंद्र मोदी की एक छोटा सा क्लिप चल रहा है कि वो बता रहा है कि पाकिस्तान कैसे बेकारियों की तरह दुनिया में फिर रहा है ये जो अभी जनीवा गए थे और मैं जनीवा का भी एक बात कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा डेलीगेशन ले जाना जनीवा में जब भीख मांगने जा रहे हैं सबसे महंगे होटलों में ठहर रहे है इतना बड़ा डेलीगेशन ज़्यादातर लोग जूम के ऊपर बात कर रहे हैं आजकल कौन सी ऐसी चीज़ थी जो जूम पे नहीं हो सकती थी मैंने जूम के ऊपर यूनाइटेड नेशंस को भी एड्रेस किया हुआ है मैंने जूम के ऊपर सारी मीटिंग्स की हुई हैं कोई ज़रूरत नहीं है आजकल के ज़माने में इतना बड़ा डेलीगेशन भीख मांगने के लिए वहाँ जाने और उससे क्या मिला वो खैर अगली बात है लेकिन पॉइंट मैं एक कह रहा हूँ मायशहत हम वो छोड़ के गए थे जिससे हम आगे हमारी कोशिश थी जो तो मैक्सिमम डॉलर आए हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने ज़्यादा डॉलर्स नहीं आए बाहर से और हमारी कोशिश ये थी कि उसको बढ़ाते जाना था हमने और इन्होंने जो आपके सामने अब आप सिर्फ इनके पास एक एक पॉलिसी रह गई है इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है कि भीख मांगे थोड़ा सा पैसा आएगा कैंसर का इलाज डिस्प्रेंस होगा थोड़ी देर और चले जाएंगे आवाम महंगाई में पिस गई है फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और अब ये है कि या तो आईएमएफ की कंडीशंस माननी पड़ेंगी इसका मतलब महंगाई अगर आईएमएफ की कंडीशंस नहीं मानेंगे तो और ज़्यादा महंगाई उधर आके आज पाकिस्तान को इन्होंने खड़ा कर दिया और मैं ख़ास तौर पे अब पाकिस्तान के आखिर में ये आप सबके लिए क्योंकि जो ये हो रहा है हमारे मुल्क के साथ मैं अपने इंसाफ के अदारे मैं ख़ास तौर पे उनसे आज अपील करता हूँ कि देखें आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिग्निटी ऑफ मैन इंसान का वकार इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करता है जो हमारा आर्टिकल 14 है आइन का वो हमारी हिफाजत करता है अब मैं अपने इंसाफ के निजाम से पूछना चाहता हूँ हम कोई चाहते नहीं हैं कि किसी किस्म की ऐसी तनकीद हो कि हमारी अदलिया नाराज हो क्योंकि हम चाहते हैं एक मजबूत अदलिया हो लेकिन मैं आज यह जरूर आप सबके सामने क्योंकि आप लेजिस्लेटर्स हैं आप कानून साजी करते हैं आपने भी असेंबली में जब भी मौका मिला यह जरूर बात उठाएं कि क्या हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं क्या आइन जो हमें राइट टू डिग्निटी देता है यह जो हमारे लोगों से हुआ है पच्चीस मई आप आप सब आपको पता है पच्चीस मई को आपसे क्या हुआ है आप सारे पार्लियामेंटेरियंस थे आपके घरों के अंदर जिस तरह पुलिस घुसी गुस, है सुबह के तीन बजे आज तक सुना है कोई पुलिस सुबह के तीन बजे लोगों के घरों में द्वार छलांग मार के अंदर आती है यहां राशिदा बेगम बैठी हुई हैं उनकी उम्र देखें उनको उठा के पुलिस थाने घसीट के लेके गए कौन सा जुर्म कर रही थी वो हम कौन सा हमारी पार्टी के लोग क्या जुर्म कर रहे थे जो लोगों के ऊपर तशद किया गया उठा के लेके गए थानों में लेके गए दो दिन पहले पच्चीस मई से कि सिर्फ इसलिए कि हम हमारा जो आइनी हक है कि हम एक पुराबन ऐतजाज ना करें और क्यों नहीं मुझे अफसोस यह है कि क्यों हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत नहीं की गई हम किस की तरफ देखें हम अपनी अदलिया की तरफ ही देखेंगे ना कि जो लोगों से जुल्म हुआ उस दिन जो वो एक दो लड़के शहीद हुए उस दिन क्या क्या जुर्म था हमारा आज तक 26 साल की पॉलिटिक्स में कब हमने इंतजार फैलाया मैं जब 26 मई को मैंने जब वो कॉल ऑफ किया मुझे पता था इंतशार होना है फिर हम जब हमारे लाखों लोग जब पिंडी थे 26 नवंबर को हम इस्लामाबाद आराम से हम सारे इस्लामाबाद को, 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 कोई पुलिस रोक नहीं सकती थी इतनी बड़ी तादाद में लोग थे इंतजार रोकने के लिए हमने फ़ैसला किया कि हम अपना आइनी हक इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी डिसॉल्व डिज़ोल्व इलेक्शंस करवाएंगे। इलेक्शंस एक झमूरी अमल है और उससे हमें रोका गया हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह हम इलेक्शन ना करवा लें अपनी जो दो असेंबली हैं पख्तूनख्वा और पंजाब में क्यों डर रहे हैं मैं ये अब सवाल पूछता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम झमूरी हैं ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से वो इसलिए डरते हैं कि ये पब्लिक से डरते हैं इनको पता है कि जब भी ये पब्लिक के अंदर जाएंगे इन्होंने हार जाना है इस्लामाबाद का इलेक्शन दो दिन पहले इन्होंने हर हर बार इस्तेमाल किया कि इस्लामाबाद का इलेक्शन ना हो क्यों डरे हुए थे इस्लामाबाद के इलेक्शन से क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने हार जाना है इनका कौन है स्पेशलिस्ट जो पंजाब में पहले भी आया था सिंध हाउस में जो मंडी लगी हुई थी जिधर वो पैसे चला रहा था आसिफ जरदारी आसिफ जरदारी पब्लिक में निकल नहीं सकता इसके अपने पीपल्स पार्टी के लोग उसकी तस्वीर नहीं लगाते क्योंकि उनको वोट नहीं मिलेगी और उसका काम क्या है चोरी और हराम के पैसे से वो लोगों के ज़मीर खरीदता है और मैं इसलिए अपनी सारी आज एम को फिर दाद देना चाहता हूँ कि वो चक्कर मारने आया था यहाँ फिर कि जनाब वो किसी तरह फिर ख़रीदो फरोख्त करेगा और मुझे बड़ा फख्र है मुझे अपने मेंबर्स पंजाब के पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस पे बहुत फ़्र है कि जिस तरह आसफ़ जरदारी आया और फेल हुआ जिस तरह आपने उसको मुस्रद किया कि आपकी आपके जो हमारे लोगों ने निकलना था वैसे ये एक तरह मुझे इसका शुक्र 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 शुक्रिया अदा करना चाहिए आसफ़ जरदारी का कि इसने हमारी पार्टी का सफाया तो कर दिया ना जो गंदे अंडे थे जो जिन्होंने बिकना था शुक्र है उनको फारग किया तो अब हमारी पार्टी माशाल्लाह आज वो पार्टी बन गई है जो मुझे तो आपके ऊपर सबके ऊपर बड़ा फ़ख्र है मैं सिर्फ ये जो आ, अपने इंसाफ के इदारों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए कौन हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा अगर आप नहीं करेंगे शबाज गिल से क्या हुआ अभी तक शबाज गिल पूरी तरह रिकवर नहीं किया जिस जो उसको प्रतिशत किया गया अभी तक असरात है उसके आज भी वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है आजम स्वाति से जो हुआ मैं सबसे पहले तो आजम स्वाति आपको सलाम करता हूं अपनी कौम की तरफ से उस उम्र में जो उससे किया गया उसकी डिग्निटी मैं फिर से कहता हूं आइन आइन की जो शेख चौदह है राइट टू डिग्निटी उससे जो किया गया मेरे ख्याल में ग्वान्टान के अंदर भी जो जंगी कैदी थे जो अमेरिका ने रखे हुए थे उनसे भी ये ना हो आपको पता है कि अमेरिका अपने मुल्क में इस तरह की चीज़ नहीं कर सकता था इसलिए उन्होंने ग्वान्टान में वो जो वो जो उन्होंने जेल बनाए ताकि वहाँ तशद कर सके वो भी उससे ज़्यादा तशद हमारे लोगों पर पाकिस्तान में हुआ है वहाँ भी इस तरह का तशद्द नहीं हुआ आ, आ, आजम स्वाति के जमील फरूकी अरशद शरीफ अरशद शरीफ से सोचे क्या हुआ या पता है कि कौन सी एजेंसीज ने उसको धमकियां दी जिसकी वजह से मुल्क छोड़ के गया और अभी तक किसी को इतमाद नहीं है पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा ये जो फरान, जिसके ऊपर मोन सेलाई ने ट्वीट किया उनका करीबी एक करीबी दोस्त को प्रेशराइज करने के लिए काफ लीग को जो फ्रांस से किया गया तीन दिन उसको उठा लिया तीन दिन उसको उठाया जख्मी हालत में वो अदालत पे गया और अदालत में वो बोली कुछ नहीं सका वो इतना खौफजदा था कि उसको डर था कि उसको तहफुज नहीं देंगी अदालतें क्योंकि जिन लोगों ने उसके ऊपर तशद किया वो ज्यादा ताकतवर है इस खौफ से इस खौफ से वो बोला ही कुछ नहीं अदालत में जाके तो किसका देखिए मैं अब ये सवाल पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है क्या इस मुल्क में हकूक हैं फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं है अगर वो एक जो तीन दिन उसे तशद किया और जो मुझे चौधरी परवेज लाइन ने बताया कि उसे हुआ क्या है किस तरह का तशद तो तो उस पर किया गया अगर आप उस आप सबको मैं बता दूं तो आपको खौफ आएगा कि यह हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और फिर चले छोड़े मैं इमरान खान हूं मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर वो पहले बताता है मैं 26 सितंबर और 7 अक्टूबर को मैं बड़े जलसों में एक जलसा था यार खान यहाँ बैठे हुए होंगे रहीम यार खान के एमपीज उनको याद होगा मैंने वहाँ कहा और फिर मियाँ वाली में मैंने 7 अक्टूबर को जलसा किया दोनों जगह मैंने बताया कि मेरे ऊपर पूरा प्लान बन रहा है कत्ल करने का कैसे दीनी इंतहा पसंद के नाम पर वारदात होगी प्लान किधर बना किसने वो वीडियो टेप बनाई वो कौन किस एजेंसी में बनी वो फिर कैसे चली आगे फिर कैसे पूरा प्लान किया गया मैंने जलसों में ये बताया कि ये प्लान बन रहा है मुझे कत्ल करने का और उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक सब कुछ हुआ वजीराबाद में अब तमाशा ये ज़रा देखें पहले तो मैं जो मेरा हक है मेरा राइट है कि मैं अपनी एफ आई आर कटवा सकूं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट right होता है वो लिखे हां तफ्तीश हो साबित हो जाए कि जनाब उन्होंने नहीं किया या किया लेकिन मेरा राइट right है मेरा हक है हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट लिखवाए मुझे तो सारा पता था कि किस तरह प्लान बनाए मैं तो जानता था वह तीन लोग कौन थे मुझे तो पूरी रिपोर्ट आ रही थी कि इन्होंने करना है ये सोचे हैं ये मैं आपको फिर बताऊं कि ये मैं इसको क्योंकि मैं लोगों को गलत फहमी ना हो कि मैं इसको पॉलिटिक्स समझता हूं मैं इसको जहाद समझता हूं ये मेरी हकीकी आज़ादी की जहाद है मुल्क के लिए ये पॉलिटिक्स नहीं मैं कर रहा मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस में आप सबको प्लीज़ एक बात बताना चाहता हूँ Allah, मुझे सब कुछ बहुत पहले दे बैठा था कोई आदमी जिसको पता हो मुझे पता था कि वारदात होनी है मुझे पता था कि ये मार्च के ऊपर उन्होंने मुझे मेरे ऊपर वारदात करनी है और मुझे इतना भी याद है कि जब गुजरा वाला में हम थे तो एक पुलिस का पूरा पूरा मेरे इर्दगिर्द एक सर्कल था जब वजीराबाद थे तो मैं इर्दगिर्द देखा मुझे तो वहां कोई मैं हैरान था कि पुलिस नहीं गिर्द थी तो मुझे पता था कि ये सारा हो रहा है मैं जब घर से निकलता था तो मुझे ये इल्म था कि ये हो सकता है कि आज मेरे वारदात हो और मुझे भी पता था मेरी बीवी को भी पता था लेकिन मैं इसलिए कर रहा था इसलिए मैं निकला हुआ था इसके लिए और इन ये जब मेरी टांग और डॉक्टर्स ने कहा कि तीन महीने लगते हैं हील होने में तो दो, दो तीन हफ्ते रह गए हैं जैसे ही मेरी टांग ठीक होगी मैं फिर सड़कों पे होऊंगा मैं फिर पब्लिक के अंदर होऊंगा क्योंकि मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों और मेरे पार्लियामेंटरी याद रखो ये कि देखिए अल्लाह कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं देता हम जब तक के कौम ये कुर्बानी का मादा नहीं पैदा करेगी हम आज़ादी होंगे ये जिस तरह के चोर हमारे ऊपर मुसलत हुए हुए हैं जिस तरह के ये जुराइम पेशा लोग ये बदमाश जिस तरह ये राना सनाउल्ला है जिस कौम के ऊपर भी इस तरह के लोग मुसलत हो जाए वो कौम तबाह हो जाती है अल्लाह ने इसलिए हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया हुआ है हमारे ऊपर जहाद फ़र्ज़ है और जहाद है क्या ना इंसाफी और जुल्म के सामने खड़े हो हमें अल्लाह हुक्म देता है कि जब आप जुल्म और ना इंसाफी देखते हैं उसके सामने खड़े हो मुकाबला करो सर ना झुकाओ उसके सामने जुल्म के बुद्ध खौफ के बुद्ध की पूजा ना करो यह अल्लाह का हुक्म है तो ये जो ऊपर हमारे चोर और हर किस्म का मुजरम जुराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर जो मुसलत किया है ये हम सब का हक फ़र्ज़ है कि हम इनके सामने खड़े हों नहीं तो आगे तबाही है दो रास्ते हैं हम अपने आप को अल्लाह इसलिए हमें कहता है कि इनके सामने खड़े हो ताकि हम आज़ाद हो जाएं और आज़ाद कौमों का ही परवाज ऊपर होती है लेकिन अगर हम इस जुल ये जो इन्होंने डराया धमकाया ये दहशत पैदा की है ना फ्रांस से जो किया है जो आज़म स्वाति से किया शबाज गिल से किया जो जो सहाफियों से किया ये क्या कर रहे थे दहशत फैला के हमें भेड़ बकरियों की तरह डरा धमका रहे थे कि हम कबूल कर लें इन चोरों को जिस वक्त हमने इन चोरों को कबूल किया आप ये समझ लें कि हमने अपने मुल्क का डेथ वारंट साइन कर लिया कोई मुस्तबिल नहीं है आज जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं आज समझ जाए कि पाकिस्तान के लोग उम्मीद छोड़ बैठे हैं पाकिस्तान से अब उम्मीद सिर्फ आपसे रखी हुई है लोगों ने कि वो दो लोग सिर्फ ये देख रहे हैं क्या तरीक इंसाफ खड़ी हो जाएगी क्या इन चोरों का मुकाबला करेगी या ये भी बैठ जाएगी घुटने टेक लेगी ये लोग बस सिर्फ ये देख रहे हैं उम्मीद आप पे है साढ़े सात लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले चंद महीनों में और वो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं मेरे एम पी सुन लो वो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं जो प्रोफेशनल्स हैं ब्रेन ड्रेन हो रही है जिनके ऊपर हमने पैसे खर्च किए हुए हैं जो जिनकी तो माशरे में ज़रूरत है जिन लोगों की वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं क्योंकि लोगों की उम्मीद चली गई है इन इनकी शक्लें देखें इनकी जरा करतूतें देखें इनका रिकॉर्ड देखें तो किसको उम्मीद रहेगी पाकिस्तान पे? इसलिए हम सब ने खड़े होना है इसलिए आप सब ने जहाज समझ के इसको पॉलिटिक्स ना समझें प्लीज मैं आ, आपका ख्याल है कि क्या आप मुझे कोई पॉलिटिक्स में दे सकता है कि मैं अपनी जान को रिस्क करूं कोई अपनी जान की बाजी लगाता है कि किसी पॉलिटिक्स या वजारतों के लिए या वजारत उजमा के लिए कितने हैं मैं इस मुल्क की आज़ादी अपने बच्चों के मुस्तबिल के लिए कर रहा हूँ और मैं चाहता हूं आप भी इसको ऐसे देखें ये जो आपको डराएंगे धमकाएंगे पैसे देंगे ये आपका इम्तिहान है और मैं जिस तरह अभी तक आप खड़े रहें मुझे ये उम्मीद है कि इन आने वाले ये जो अब आने वाले एक दो दिन हैं जिन्हों में इन फैसला होगा इसमें आप सब कामयाब होंगे और हम सब कामयाब होंगे हम सब इन इसका मुकाबला करेंगे मैं सिर्फ़ बिलाल वड़ाइज को जो इंडिपेंडेंट एम पी है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है मैं उनको ख़ुश आमदेद कहता हूँ पार्टी के अंदर और मुझे पता है हमारे थोड़े से लोग अभी पहुँच रहे हैं तो मैं सब मैं जिस तरह क्रिकेट का स्कोर देख रहा हूँ उसी तरह मैं आपके भी पूरा स्कोर फॉलो कर रहा हूँ कि अभी तक नंबर किधर तक पहुँचा है और मुझे नज़र आ रहा है कि इन शो जो हमारा विक्ट्री टारगेट है वो ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं आखिर में मैं आपको आज अपने पार्लियामेंटेरियंस को और मैं अपनी कौम को मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी तक मैं बाहर नहीं निकल सकता मुझे यानी आवाम में नहीं निकल सकता इसलिए कि मेरी जो टाँग अभी तक तीन महीने लगती है उसको ठीक होने में तो थोड़ा सा भी वक्त है उसको और मेरे यकीन रखें कि जिस वक्त मैं निकलूंगा यह जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है यह मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता किसी के ऊपर फिर से ना उसको तारीख की समझ है ना उसको जो ये रेड लाइन ड्रॉ कर रहे ना ना उसको तारीख की समझ है ना सियासत की समझ है और ना ही उसको समझ है पाकिस्तानी कौम के मजाज की ये जो कौम फैसला जब कर लेती है आप जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लें नतीजा वही होना है जो भी ये पिछली इलेक्शंस में बाई इलेक्शनस में हुआ है और इन हमारी कोशिश होगी कि हम असम्बलीज़ अपनी दो असम्बलीज़ कुर्बान कर रहे हैं दो असम्बलीज़ कुर्बान करके डिज़ोल्व करके और हमारी उसके बाद कोशिश है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम हमारे दो सूबों में इलेक्शन हो और मैं इन शंपेन मैं करूँगा इन दो अपने दो सूबों के अंदर और जो मैं अपनी कौम का मजाज जानता हूँ इन शारी अक्सरीत से हम हमें हमारी कौम फिर से इकतदार में लेके आएगी और वो इकतदार होगा असल जब हम बड़े बड़े फैसले कर सकेंगे पूरी ताकत से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और मैं फॉलो कर रहा हूँ कि जो हमारे अभी लोग नहीं आ रहे मैं उन सब को फॉलो कर रहा हूँ और इन हमारी अब आ, ये जो वोट आने वाली है इसमें इन हम कामयाब होंगे बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद